ब्रदर, ये नारियल का पेड़ है? हाँ? ये किस चीज का पेड़ है? अड़के है। ये क्या है ये? हिंदी नहीं भाई। हिंदी नहीं आता? इस पे क्या लगता है? फल काम है, किचम इधर है डंडा। अरे एक मिनट, डंडा बोल रहा है भाई, ये तो इसको समझ नहीं आता। मैं लेना करा। ये है ना, ये पेड़, ये इस पे गोल गोल क्या लगता है? नहीं समझ में आता, हिंदी नहीं आता। अरे यार, उसको आता? नहीं, उसको पूछूं मैं? आओ, ये ना क्या दर होगा? मैं जाता हूँ वहीं पे। अरे रे 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 रे, गिर गया। भैया नमस्ते, इस पे नारियल लगता है? नारियल का पेड़ है? अभी नहीं लगता, इस पे कब लगता है? खत्म होंगे। वैसे कौन से सीजन में किस महीने में लगता है? दिसंबर, नवंबर। नवंबर में लगता है। और पकता कब है वो? नहीं पता। ये क्या है, ये तार क्यों लगा रहे हो? ये तो पाइप है। ये पानी डालने के लिए? बहुत बहुत बड़ा बाग है आपका। वो क्या है? और वो केला? अन्नो बाड़े अन्नो। हाँ बाड़े बाड़े केला बनाना। अच्छा उसको ऐसे अच्छा उसका पेड़ अभी वो छोटा है। ये देखो, ये लगे हैं छोटे छोटे। ये बड़ा होगा तो ये इतना ही रहेगा। अरे बाप रे, ये क्या है? ये क्या है? What is this? अड़के। अड़के। गुटका। गुटका। किस चीज का गुटका? RMD गुटका है ना, वो पीस डालता। गुटका। ये खाने के काम आता है? खाते हैं इसको? हाँ खाते हैं। अच्छा। अभी खा सकते हैं इसको? अभी कच्चा है? कच्चा। अच्छा, ठीक है। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। देखा, ये देखो किस तरीके से, मतलब पाइप लगा रखी है। ये पानी कैसे जाएगा भाई? ओहो, ये बड़ी पाइप से उधर से ऐसे ऐसे करके फिर इसमें ऐसे कनेक्शन दे रहे हैं, फिर यहाँ से कैसे जाएगा पानी? पता नहीं कौन सा जुगाड़ है। चलो चलते हैं। बहुत बड़ा बाग है इनका। इनको भैया को वैसे समझाना नहीं आया, पर मैं समझ गया। वो गुटखा नहीं समझ में आया बल्कि मुझे वो क्या चीज़ था। चलो अब आगे चलते, किसी और से मिलते हैं, देखते हैं यहाँ का मतलब क्या कल्चर है, क्या माहौल है, खाना पीना रहन सहन कर्नाटका का। जहाँ मैं पहले रुका था, अब वहाँ से लगभग 50 या 40 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। अब इन लोगों से मिलता हूँ, जाके ये देखता हूँ। ये शायद केले की खेती, पर केले का पेड़ ऐसा होगा, पूछता हूँ जाके। हे अंकल नमस्ते। मैं कश्मीर से आया हूँ, कन्याकुमारी जा रहा हूँ। मेरे को ये पता करना, ये किस चीज का पेड़ है? ये पेड़ कौन सा है? अड़के। पेड़ा पान मसाला।
अच्छा, ये पान बनता है इससे? गुटका, गुटका पान। अच्छा अच्छा, और ये क्या है? बीटरूट है। बीटरूट, बीटरूट वेजिटेबल, वेजिटेबल सब्जी। कौन कौन सब्जी, कौन सी? बीटरूट बोलना रहा है। बीटरूट, वो क्या होता है? यहाँ की मिट्टी लाल है, ये देखो हमारे वहाँ की। हाँ, क्या नम कड़े में मण्णो इकड़े मण्णो अंते सायल। हाँ, ये इस तरह की मिट्टी हमारे पास नहीं है। नहीं, वो दूसरा मिट्टी है हमारा। बेरे मण, बेरे सायल। जी जी जी, मेरा नाम रवि है, आपका क्या नाम है अंकल? जयप्पा। हाँ, जयप्पा। जयप्पा, अच्छा अच्छा, मैं बाइक से आया हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा हूँ। ओ, कश्मीर इन द बंदरे। हाँ जी, कश्मीर कन्ना पर। हाँ, कश्मीरी, कश्मीर टू कन्याकुमारी जी। मेरे को देखा आप यहाँ पे बैठे हो तो मुझे लगा मैं बात करता हूँ। पता है ब्रदर, ये किस चीज, ये कौन सी सब्जी है? ये बता रहे कि ये सब्जी है, वो रेड कलर आता ना सब्जी, वेजिटेबल रेड। अच्छा, कोई बैंगन जैसा आता है? बैंगन, बैंगन होता है। इसमें बैंगन बनता है? नहीं, बैंगन जैसा आता है। अच्छा, बैंगन जैसा बनता है। हाँ, बैंगन नहीं बनता। हाँ, जी जी जी। ये और भी बड़ा होगा या इतना ही है? ये बड़ा होता है। कि एक साल में एक बार होता है बड़ा? या वो उतना बड़ा होगा? नारियल, नारियल बनता है इस पे? नारियल पत्ता, पत्ता खाली पत्ता, जो पान का पत्ता होता है। पान का पत्ता। अच्छा अच्छा अच्छा। अंकल हंस रहे हैं। अंकल आपने कपड़े नहीं पहने? पहने, पहनते नहीं? लुंगी पहनते? लुंगी फोटो फोटो जरा। अरे ठीक है ठीक है, ये इनका कल्चर है, कल्चर आपका, ये इनका पहनावा है ना, कल्चर। और ये किस चीज की खेती है? सेम बीटरूट। अच्छा, ये भी यही है? स्मॉल और बिग। हाँ, वो छोटा है, वो बड़ा है। ठीक है ठीक है, ये उसके लिए लगा रखा है, पक्षियों के लिए, ताकि पक्षी ना आए। पक्षी बताओ। हाँ 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 हाँ, मैं इधर से जा रहा था तो मैंने बाइक को वहाँ खड़ा कर दिया, मैंने देखा कि मैं देखता हूँ जाके क्या बना रहे हैं यहाँ पे। मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा है इस चीज़ को देखने का कि इधर में क्या क्या खेती होता है। ठीक है, चलता हूँ। नमस्ते अंकल, चलता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है भाई? ये तो बूटा है, बूटा। ये बूटे की खेती है। बूटा समझते हैं? बूटा तो खैर सभी समझते हैं, ये हमारे यहाँ होता है। अब चलते हैं किसी और, आगे जाके किसी और से बातें करते हैं। आज का मेरा व्लॉग रोड को दिखाने का नहीं होगा, क्योंकि मैं रोड को आज नहीं दिखाऊंगा। आज मुझे कर्नाटका में हूँ फिलहाल, मैं बेंगलोर है, यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर होगा, तो मैं इसी चीज़ को एक्सप्लोर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से रोड पे मैं कैमरा नहीं चलाऊंगा, सिर्फ क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है, यही चीज़ें दिखाऊंगा। बाय अंकल। चलो अब किसी और जगह पे, कुछ 50 किलोमीटर और आगे जाके। ये था जी यहाँ ढाबा, और यहाँ एक दो भाई मिल गया हमें लोकल हरियाणा का। वैसे मैं बताऊँ आज की वीडियो में, जैसे मैंने शुरू से ही बताया कि मैं आज यहाँ के लोकल चीज़ को एक्सप्लोर करूँगा, तो मैं अपने बारे में कुछ नहीं दिखाऊँगा, मैं कहाँ रुका, क्या खाया, क्या पिया, सिर्फ यहाँ का लोकल चीज़ें दिखाऊँगा, खेत जो भी, मतलब यहाँ का लोकल कल्चर है उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आज ना तो आपको रोड पे मेरी बाइक चलती हुई दिखाई देगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ रुक गया, अब ये टोल आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब सिर्फ लोकल लोकल एक्सप्लोर करेंगे। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में बताना कि यही करना है, वरना फिर वही करूँगा। जिस तरह के कमेंट आएंगे उसी हिसाब से चलूँगा। बोला ये कितने रुपये का एक है? 30 रुपये का, इतना महंगा? नहीं तो महंगा दे रहा हूँ।
सस्ता दो, सस्ता सस्ता ना, कितना कितने का है? 20 का लेके जाए। नहीं पीना है मेरे को, पीना है, पीना पीना लेके जाए। नहीं क्या बोलते हैं पीने को, पीना पीना, पेट में पेट में। दो है ना? एक बीस 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 वो पीछे 20 बोला। 50 रुपए दो। नहीं मेरे को एक ही चाहिए, यहीं पे पीना है। एक मिनट, आपका क्या नाम है? नाम क्या है आपका? नाम तिरुपति। तिरुपति नाम है? हमारे वहाँ पे ये 50-60 रुपए का एक मिलता है, यहाँ पे 20 रुपए का। हमारे क्या? हमारे 60 रुपए एक जनरल। 30 रुपए उधर में, उधर में। अच्छा होता है। ए बाबा थैंक यू थैंक यू, ओके बाय, अब चलता हूँ। जय बजरंगबली। बहुत धूप है। हाय बेटा, कैसे हो? अच्छा। क्या नाम है आपका? गहन। अच्छा अच्छा, क्या कोकोनट मैंने लिया उधर से, हाँ उधर से लिया मैंने, पी लिया मैंने पीछे, नहीं अभी पिया मैंने यहाँ से। क्या मैंने पिया यहाँ से? अरे नहीं मैंने अभी लिया यहाँ से। अरे सर रुक जाओ फिर। थैंक यू। नहीं 1000 नहीं, 10,000 हो जाएगा अभी। 10,000 किलोमीटर कश्मीर टू कन्याकुमारी, देन कन्याकुमारी टू कश्मीर। अभी आप कहाँ जा रहे हो? बेंगलुरु। और कितने पैसे हो गए इसके? अरे नहीं पैसे नहीं लेने। अभी आप गाड़ी से हाय कर रहे थे है ना? मैं कश्मीर से आया था और सीधा कन्याकुमारी जा रहा हूँ। हाँ जी आपका रोड क्या जाता था? यहीं से रूट बेंगलोर होके निकलना है। बेंगलोर नहीं, सिटी पर। कौन सी सिटी? अलग इलेक्ट्रॉनिक सिटी। वो कितना दूर है यहाँ से? 140 किलोमीटर। हाँ ये सेम रूट है। बेंगलोर से आगे है वो। बेंगलोर से राइट करना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूछना, उसके बाद होसुर मिलेगा। मेरे को लिख के देना। इस पे नोट कर दीजिए, इस पे लिख दीजिए। नेलमंगला का फिर राइट का, मैसरोड राइट साइड। जी जी राइट साइड। हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम हियर? हियर का 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर ओके। बेंगलुरु नहीं, मैसरोड का जैसे। ओके थैंक यू थैंक यू, बाय बेटा।
बाय। इस तरह से मिल जाते हैं लोग, रास्ते में प्यार देते हैं, अच्छा लगता है। इन्होंने मेरे को ओवरटेक किया था और ऐसे कर रहे थे, ऑफ कैमरा था, हेलो कर रहे थे। अभी इन्होंने मुझे देखा तो रुकवाया। कल का मैंने पैसे नहीं लिखे थे। कल मैंने क्या लिया था, रास्ते में मैंने चाय पी थी, दो चाय पी थी 20 रुपए की। और रात को क्या लिया था, रात को लिया था मैंने एक अंडरवियर और चप्पल मेरी। अभी मैं जा रहा हूँ हीरो के सर्विस स्टेशन पे। ये भाई मुझे लेके जा रहे हैं। मेरी बाइक 1200 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है, उसकी सर्विस मुझे करानी है। ऑयल चेंज हो जाएगा और एक जो सील लीक है इसकी किक के पास, वो भी चेंज हो जाएगी। ये आ गया हीरो का सर्विस स्टेशन। थैंक यू भैया। ये सर्विस सेंटर जी, थैंक यू। अभी इधर स्टे होता है क्या? हाँ, इधर स्टे होता है क्या आज? तुम इधर स्टे होता है क्या? नहीं, आगे जाऊंगा मैं। सर्विस नहीं कराओगे? हाँ, सर्विस करा के आगे। अभी तुमको नहीं देगा, लेट होगा, शाम 4-5 हो जाएगा, अभी छोड़ेगा तो क्यों? देखिए एक बार पूछती है, पूछती है। सर्विस सर्विस है, सर्विस नहीं। अच्छा, ये हो रही है अपनी बाइक की सर्विस। ये देखो तेल बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। और प्रॉब्लम क्या है कि इनको हिंदी नहीं समझ में आती और मुझे इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। सिर्फ एक इंसान है ट्रांसलेट करने वाला, ये भैया। अच्छे से कर देना सर। अभी मैंने क्या बोला? इनको समझ में नहीं आती। ठीक है, थैंक यू। यहाँ से ना सर्विस स्टेशन से चेन लूप और चेन क्लीनर दोनों ले लिए, मेरे पास ख़त्म हो चुके थे। अच्छा हो रही है, बड़े बड़े डिब्बे मिल गए मेरे को दोनों 555 रुपये के। और 4 महीने का मैंने एक जॉब कार्ड बनवा लिया, कि मतलब 4 महीने का नहीं, 1 साल का, उसमें 4 सर्विस फ्री होगी। खर्चा होगा बहुत ज़्यादा। ये हमारी बाइक का ऑपरेशन हो रहा है, जो टक 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 की आवाज़ आ रही थी ना, अब वो ख़त्म हो जाएगी। अभी टाइम हो गया 4:20 और अभी निकला हूँ मैं यहाँ से, एजेंसी से। तकरीबन 2.5 घंटे लग गए, मेरा पूरा ही दिन ख़राब हो गया आज तो यहाँ पे। अरे ब्रेक नहीं लग रहा यार, पिछले कुछ डाउन है क्या? धीरे धीरे लग रहे हैं, कोई नहीं, हो जाएगी टाइट थोड़ी देर में। ये कोई मुंबई हाईवे एक्सप्रेस वे, और इस पर ना बाइक का भी टोल लगता है। अब मैं देखता हूँ कितना लगेगा, मुझे पता नहीं है। खैर अभी इनका लग रहा है तो मेरा भी कटेगा। आप मेरे को तो पता नहीं है, ये पूछेगा कि कहाँ का, देखते हैं। इसको हिंदी आनी चाहिए, पर ब्रदर कितना पैसा है? कितने पैसे? इधर है कन्याकुमारी 80 रुपये। 80? ये देखा कैसे बोला है। स्लिप दे दी भाई। अरे मानो तो 80 रुपये का टोल कटा है। अब ये पता नहीं कहाँ तक का है। अब मुझे इस हाईवे का भी नहीं पता ना, ये सिर्फ मैं स्टार्टिंग से ही NH 48 पे हूँ। अब ये मुझे नहीं पता, ये मुंबई हाईवे लिखा हुआ है, वैसे इस पे मुंबई हाईवे है। लगभग 50 किलोमीटर
आया हूँ मैं और यहाँ पे मेरे ख्याल चेकिंग चल रही है, वो ही स्लिप दिखानी पड़ेगी। अब मेरे पास यार मेरे तो पर्स में रख दी वो। इधर है पर्स में, नहीं पर्स में है। नहीं देखे इसने इसको लगा के स्लिप तो होगी। अब देखो टाइम हो गया 6:11 और मुझे अपना रात का ठिकाना चाहिए अभी। यस नहीं आई एम कमिंग फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर। यस कन्याकुमारी जी। या थैंक यू भाई। कोई सिटी आया है, पता नहीं कौन शहर है ये, पर जाम तो इसमें तगड़े वाला है। अरे रे 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 कहाँ घुस गई। रात के 7:30। ये क्या है भाई, नॉन वेज वेज? अरे ये तो वैसा हॉल है, होटल नहीं है ये। ये बाइक रोक दी यहाँ पे, ये सामान रख दिया और ये मुझे होटल मिल गया। और ये सरीन के ओनर खड़े हैं, अभी पूछते हैं क्या कहते हैं। क्या कह रहे हैं सर? आप क्या कह रहे थे अभी? पैसा नको मेरा, फ्री में दे दो। पैसा नहीं देना? नहीं देना, नको नको। ये सर फ्री में रख रहे हैं मुझे, तुम्हें खाना वाना को लेके दे दो। नहीं सर खाना नहीं, थैंक यू मेरे में खाना है मेरे पास। तो सर ने मुझे मुझसे कोई चार्ज नहीं किया और मुझे फ्री में रहने के लिए इस होटल में जगह दे दी। चलता हूँ अंदर। अच्छा सर एक बात बताइए, आप मेरे से पैसे क्यों नहीं ले रहे? नको पैसा नको मेरा, खाना दे दो तुम्हें। क्या कहो नको मेरा दे दो। नहीं मैं खाना खा गया, मेरा लेके दे दो तुम्हें। खाओ मेरा पैसा, मैं दिखाओ एक दिन को पकाओ बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। देखा ये होती है किस्मत। मैं तकरीबन आधे घंटे से ना घूम रहा था, मतलब कभी इस पे मैं MMT पे सर्च मार रहा था, कभी कुछ होटल के रेट दिखा रहा था, कोई 3100 4000 4500। फिर मैंने लोकेशन सर्च की MMT पे ही कि कोई 1200 रुपये में होटल है जो ये है, तो मैं मैप से इधर आ गया। अब इधर आने के बाद मैं बोला कि सर मुझे रूम चाहिए, उन्होंने फिर वही प्राइस बताया जो बताना था। मैंने कहा सर मेरा इतना बजट नहीं है, मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी कर रहा हूँ और मेरे को 50 दिन की राइड है सर, मेरे से इतना नहीं हो पाएगा। वो बोले कश्मीर टू कन्याकुमारी कर रहा है बाइक से? मैंने कहा हाँ सर, दिखाओ एक बार। फिर वो बाइक पे घूम के देखो, मेरा बोर्ड लगा हुआ देखा, वो हैरान रह गए। फिर उसने यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखी, वो देख रहे थे मैं सामान उतारने लग गया। बोला एक काम करो, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया लेना तुमसे, आओ बैठो खाओ पियो। अरे यार ऐसे भी इंसान है, मज़ा आ गया आज। ये देखो ये कितना अच्छा रूम दे दिया इन्होंने, ये पूरा रूम है। इसमें तो खैर मैं अपनी वो खाना पैक करवा के लिए आया था, बिरयानी ले आया था मैं आज अपनी, और वो सामान वगैरह वहाँ रख दिया। ठीक है बाकी फ्रेश व्रेश मैं हो लिया हूँ। बाकी एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसा आज का व्लॉग बनाया है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रोड को ना दिखा के जैसे आज दिखाया था लोकल आदमियों से बात करूँ, लोकल आप लोगों को जहाँ जिस जगह पे मैं जाऊँ उस जगह को एक्सप्लोर करूँ, तो फिर कमेंट जरूर करना कि हाँ यही कीजिए, वरना फिर वही है कि भाई मैं रोड दिखाऊंगा, खुद को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या फिर आज, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आ गया होगा मैं जानता हूँ। ठीक है तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और 5 आदमियों के साथ जैसा हर वीडियो में बोलता हूँ 5 आदमियों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ कल, कल पहुँचूंगा मदुरई। इन्हें होटल के ओनर ने बताया मेरे को कि मदुरई में कोई पता नहीं कोई मंदिर बताया, वहाँ बहुत फेमस मंदिर है, वो जाके एक्सप्लोर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आ गई दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5 आदमियों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ कल, जय हिंद जय भारत।